जी तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको कैटिज़न एयर ड्रॉप के हवाले से बताऊंगा कि क्या आप उसमें एलिजिबल हैं, क्योंकि उसका आज जो है स्नैपशॉट डन हो गया है और आपको कल जो कल का आने वाला दिन है उसमें आपके जितने भी पॉइंट्स होंगे, जितने भी टोकन होंगे, वो आपको वहां पे शो करवा देगा कि आपके कितने टोकन बनते हैं, जो आप जो है 20 तारीख को सेल आउट करके वहां से अपना प्रॉफिट जो है जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि इसकी क्लेमिंग जो है वो कल जो है 15 तारीख है, कल जो है आ जाएगी, तो कल से इनकी क्लेमिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। 1.6 मिलियन पीपल जो है इसमें एलिजिबल हुए हैं, 1.6 मिलियन लोग जो है इसमें एलिजिबल हुए थे। तो ये एक बहुत बड़ा एयर ड्रॉप होने जा रही है। वो एयर ड्रॉप है जो आप गेम को देख के, जो आप बिलियों को मर्ज नहीं कर सकते थे तो आपके सर में दर्द होता था। काफ़ी लोग जो है पर्सनल आके कहते थे, शायद भी नहीं होगा। नहीं है कि यार ये बस एक बटन दबाएं जैसे हम ब्लम के अंदर है, तो उसकी माइनिंग जो है 24 घंटे के लिए होती रहे। तो अब जिन लोगों ने यहाँ पे मेहनत की थी, बिलियाँ कलेक्ट की थी, अपना लेवल इंक्रीज किया था, उनको एक बहुत बड़ा जो है एयर ड्रॉप मिलने जा रहा है, क्योंकि इसकी जो सप्लाई है वो 1 बिलियन है। 1 बिलियन में से तकरीबन जो है बहुत कम सप्लाई देखें तो 305 मिलियन जो सप्लाई है, सर्कुलेटिंग सप्लाई, वो पहले आने जा रही है, जिसमें जो है आप लोगों को बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा। और जिन लोगों ने इसके ऊपर शुरू में और शुरू से एंड तक जो है वर्क किया था और हार्ड वर्क किया था, तो उनको एक बहुत बड़ा एयर ड्रॉप मिलेगा। हैमस्टर के ऊपर भी बहुत बड़ा एयर ड्रॉप आपको मिलेगा, वो भी बेनांस के लॉन्च पूल पे आ चुका है, वो भी बेनांस के ऊपर आ रहा है। और जो भी आपको प्रोजेक्ट दिया, अगर आप पहले दिन से उसके ऊपर हार्ड वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं, तो वो आपको एक बहुत बड़ा एयर ड्रॉप दे के जाएगा। अगर आप इग्नोर कर जाते हैं, आपका दिल करता है तो करते हैं, अदरवाइज आप कहते हैं मेरे पास टाइम ही नहीं है, मुझे करना ही नहीं है, तो फिर जो है आपको यार प्रॉफिट जो आप सोचते हैं वैसा आपको तो नहीं होगा। अगर आप शुरू से मेहनत करते हैं, फिर जो भी आपके ख्वाब होते हैं वो आप यहाँ से जो है पूरे कर सकते हैं। तो 1 बिलियन से 305 मिलियन की सर्कुलेटिंग सप्लाई आ रही है। तो अब इसकी प्राइस की जो अगर बात करें, तो इसकी प्राइस जो है प्री मार्केट के अंदर अगर आप देखें तो 0.06 डॉलर की जो आपको प्राइस है वो शो हो रही है। अभी 3 तो बज गए हैं, लेकिन यहाँ पे अभी हमारे पास जो चेक करने का ऑप्शन नहीं आया, लेकिन जो है कल तक हमें वेट करना होगा। कल जो है इंशाल्लाह हमारे पास यहाँ पे टोकन जो हम क्लेम करेंगे वो हमारे पास आ जाएंगे, उनका हम जो है क्लेम आउट जो है वो कर लेंगे। अभी इनकी मैं आपको जो है प्री मार्केट की प्राइस दिखाता हूँ। जब आप बायबिट में आते हैं ना, तो यहाँ पे बायबिट के अंदर प्राइस देख लें, 0.6 डॉलर। यहाँ पे मैं जो आपको बता रहा था वो गलत थी, 0.6 डॉलर इसका मतलब है कि 160 से 167 के दरमियान जो इसकी PKR की बात जो है करें तो ये रेट आता है। तो ये देखें प्राइस तो इसकी बहुत कम है। अगर इसकी प्राइस की प्रोडक्शन करें तो तकरीबन जो है ये 150 PKR की बात करूं, 150 PKR से लेकर ये 300 रुपये तक जो है जा सकती है। तो फिर अब वेट करना होगा हमें, जो ही इसकी लिस्टिंग होती है तो फिर देखते हैं कितना कितना जो है आप लोगों ने तीर मारा था, कितना आपको जो है यहाँ से प्रॉफिट होने वाला है। मैं शुरू से आपको प्रोजेक्ट का लिंक देता हूँ, प्रोजेक्ट की डिटेल देता हूँ, प्रोजेक्ट की वीडियो देता हूँ, ताकि आप वो वीडियो देखें और उसके ऊपर वैसे आप शुरू से पहले दिन से तो यार आपका जो है दिल ही नहीं लगता कि वीडियो देखी जाए और यहाँ पे काम कैसे करना है। जब आप वीडियो देखेंगे आपको तरीकाकार हर चीज़ समझ आएगी, तो फिर आगे आप जो है कर पाएंगे और अच्छा एयर ड्रॉप आप ले पाएंगे। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि जो भी वीडियो अपलोड होती है उस वीडियो को लाजमी देखा करें, पूरी वीडियो देखा करें, आपके नॉलेज में इजाफा होगा, आपको चीज़ें समझ आएंगी, ताकि आप इतना बड़ा जब एयर ड्रॉप आए तो वहाँ से आप इतना बड़ा जो है यहाँ से एयर ड्रॉप गेट कर सकें। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, व्हाट्सएप चैनल मेरा लाजमी ज्वाइन करें, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के नीचे जो है लिंक मिलेगा, और इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। दोस्तों ये थी अपडेट, अभी आपको कल तक वेट करना होगा, आपके टोकन आ जाएंगे, क्लेम करने का तरीका भी आपको बताया जाएगा। सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट ये है कि एक्टिव रहा करें, जस्ट अपने फ़ायदे के लिए, आपको इसमें बेनिफिट है, आपका इसमें फ़ायदा है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। कोशिश करता हूँ सिंपल लहजा जो है यूज़ करता हूँ, ताकि आपको हर चीज़ जो है समझ आए, कोई टफ वर्डिंग यूज़ ही नहीं करता मैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।